हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द प्रेजेंटेशन ऑन प्रेपोजिशंस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, कहाँ कहाँ लगाई जाती हैं, वो कैसे ये सेंटेंसेस को जोड़ती हैं और कहाँ हम प्रेपोजिशंस नहीं लगाते। तो क्योंकि हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं और आगे जाके हम कौन सी प्रेपोजिशन कहाँ पे लगनी है उनके लिए डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो हम 3-4 पार्ट्स में बनाएंगे। तो आज की डिस्कशन में हम करेंगे कि प्रेपोजिशन क्या होती है और कहाँ लगाई जाती है और इसके रूल्स क्या होते हैं और कौन कौन सी इसमें होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपनी प्रेजेंटेशन से। अभी हम बात करेंगे उन सेंटेंसेस की यहाँ पर प्रेपोजिशन यूज नहीं की जाती। तो सबसे पहले ये वो सेंटेंसेस आते हैं जिसमें समय दिया हो, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, या उसमें दिया हो वीक, मंथ, ईयर। तो उन वाले सेंटेंसेस में उसके साथ अगर दिस, दैट, नेक्स्ट, एवरी, लास्ट यूज किया हो तो प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। जैसे आई मेट हर लास्ट इवनिंग, है ना, मैं उसको लास्ट इवनिंग मिला। यहां ये नहीं होता आई मेट हर इन द कुछ ऐसा, कि यहां पे हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। इसी तरह से इनमें से कोई भी आ सकता है, मॉर्निंग, इवनिंग, डे, नाइट, मंथ, वीक, ईयर। तो अगला सेंटेंस देखें, राम इज कमिंग हियर नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ आ रहा है ना, तो यहां भी कोई ऐसा प्रेपोजिशन नहीं लगना कि राम इज कमिंग हियर, कोई यहां प्रेपोजिशन नहीं लगना, सिंपल आ जाएगा नेक्स्ट मंथ। ये यहां मंथ दिए और यहां नेक्स्ट दिया है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आया है, तो यहां भी अपना वो नहीं लगेगी प्रेपोजिशन। अब आ गया वेट ए मिनट, यहां भी टाइम का है, यहां कोई भी प्रेपोजिशन ही लगेगी। तो इन तरह के जहां पे टाइम वाले सेंटेंसेस होते हैं तो वहां पे हम जब ये इस तरह के यूज करते हैं तो कोई भी लगाते नहीं है। आगे हम देखेंगे कि जस्ट कोई दिया हो ना वर्ड्स, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, उसमें भी हम नहीं लगाते प्रेपोजिशन। जैसे ही मेट मी यस्टरडे, तो ये नहीं है गया ही मेट मी, कोई इधर हम वो लगा दें प्रेपोजिशन। प्लीज मीट मी टुडे, ही विल कम टुमारो, तो यहां भी इस तरह से दिया हो यस्टरडे, टुडे, टुमारो, वहां हम प्रेपोजिशन यूज नहीं करते। आगे हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स, जैसे रीच, रेजिस्ट, ऐसे जहां वर्ड्स यूज होते हैं ना, रीच, रेजिस्ट, रिसेंबल, अफोर्ड, अकंपनी, ऑर्डर, ओबे, अटैक, असिस्ट, इन्फॉर्म, कॉम्बैट, प्रिसीड, पिक, तो इसमें भी हम जो है ना वो यूज नहीं करते प्रेपोजिशन। ट्रांजिटिव वर्ब्स ये होती है, यहाँ पे एक्शन सिर्फ सब्जेक्ट तक नहीं रहता, तो वहां पे जाके ऑब्जेक्ट पे जाके खत्म होता है, तो उनको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो जहां पे एक्शन सिर्फ सब्जेक्ट तक नहीं होता, आगे और भी उसमें होता है इन्वॉल्व, उसमें हम जैसे ये वर्ड्स उसमें आ जाए तो हमने प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी। ही ऑर्डर्ड फॉर ए कप ऑफ टी, यहां फॉर नहीं आएगा, ही ऑर्डर्ड ए कप ऑफ टी। ही इन्फॉर्म्ड मी यस्टरडे, टू नहीं आना, ये मैंने वैसे ही लिखा है, तो ये ध्यान रखना है। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए दो बताए हैं, इसमें कोई भी आ जाए तो हमने प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी है ना। ही रीच्ड यस्टरडे, ही अकंपनीड मी, ही ओबेड मी, ही अटैक्ड हिम, इसमें किसी में भी वो नहीं आना। ही असिस्टेड मी, तो इस तरह के जहां भी ये वर्ब्स यूज होती हैं तो वहां पे प्रेपोजिशन हमने यूज नहीं करनी। प्रेपोजिशन बेसिकली 3 तरह की होती हैं, एक तो सिंपल प्रेपोजिशंस जो अकेले में यूज होती हैं, और मोस्ट कॉमनली यूज्ड यही प्रेपोजिशंस होती हैं,
जैसे एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑफ, ऑन, आउट, थ्रू, टिल, टू, अप, विद, डाउन। जैसे एक दो एग्जांपल लेके हम बात करते हैं, शी इज एट होम, वह घर पर ही है। आगे इसका हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे एक एक को लेके, लेकिन अभी के लिए कि ये सिंपल प्रेपोजिशन समझने के लिए हम यूज कर रहे हैं। द ट्रेन इज इन मोशन, यहां इन है, ट्रेन चल रही है, मोशन में है। तो ये तो होगी सिंपल प्रेपोजिशन, वो इंडिपेंडेंटली यूज होती है, मोस्ट कॉमनली यूज होती है, वो अपने आप में एक ही वर्ड मोस्टली होता है, इसमें होता ही एक वर्ड है। अब हम बात करते हैं कंपाउंड प्रेपोजिशंस की। कंपाउंड प्रेपोजिशंस बेसिकली ये बनती है, या तो ये बनती है ए से स्टार्ट शुरू होती है, या ये बी से होती है ऐसे बी ई, या फिर ये किसी और प्रेपोजिशन से ली होती है। अब एक एक की बात करते हैं, जैसे ये ए, ए से शुरू हो रही होनी है, above, about, across, along, amidst, among, amongst, around, ये होगी ए से शुरू होने की। फिर आगे देखो बी से, be, before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, ये यहां तक होगी बी से। आगे वगैरह देखो कि किसी दूसरी प्रेपोजिशन को मिक्स करके बनी, जैसे इन से बनी इनसाइड, आउट से बनी आउटसाइड, अंडर से बनी अंडरनीथ, विद से बनी विदिन। तो इस तरह से ये बनती है प्रेपोजिशंस। इसका भी हम एग्जांपल लेके बात करेंगे। आई कैन सॉल्व दिस सम विद इन एन आवर, मैं एक घंटे में ये सम सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे हमने विदिन यूज किया। ही लिव्स एट एट द, यहां वैसे प्रेपोजिशन दो है, ही लिव्स एट द अबव, ये हमारी कंपाउंड प्रेपोजिशन में आ गया। शी लिव, ही लिव्स एट द अबव एड्रेस, यहां पे हमने इस तरह से ये ऊपर वाला जो एड्रेस दिए उस पे रहता है। आगे एक आती है फ्रेजल प्रेपोजिशन, जिसमें फ्रेज होते हैं, दो तीन वर्ड्स को जोड़ के एक प्रेपोजिशन बनती है, जैसे अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस विद, इन प्लेस ऑफ, अलोंग विद, इन एडिशन टू, इन केस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन रेफरेंस टू, बिकॉज ऑफ, इन कंपैरिजन टू, इंस्टेड ऑफ, इन कोर्स ऑफ, owing to, in front of, in lieu of, in compliance with, in the event of, in order to, with regard to। तो ये सेंटेंस हम एक और बना के देखते हैं। owing to, owing to का मतलब होता है ड्यू टू कह सकते हो, उसके कारण। owing to his ill health he retired from business, अपनी खराब सेहत के कारण उसने वो बिजनेस से रिटायर हो गया, बिजनेस उसने छोड़ दिया। इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के दौरान, ही सा हिज मिस्टेक, तो मतलब टाइम चलते चलते उसको अपनी मिस्टेक का, अपनी गलती का एहसास हो गया, उसने अपनी गलती को देख लिया कि हाँ ये मेरी मिस्टेक है। तो इन कोर्स ऑफ टाइम, इन सबके हम आगे जाके अगली वीडियोस में डिटेल में सबके बारे में एक एक को लेके चर्चा करेंगे। तो ये हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड सिंपल और फ्रेज वाली जो प्रेपोजिशंस होती हैं। तो फ्रेंड्स, हमने अभी डिस्कस किया कि प्रेपोजिशन क्या होती है और कहाँ कहाँ इसको लगाते हैं और कहाँ इसकी जरूरत नहीं होती, और हमारी प्रेपोजिशन कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। और अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे इंडिविजुअल जो अपनी प्रेपोजिशन है एक एक को लेके, कि उसको हम अलग अलग सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।